हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुकाइस। आज दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड विद द रिसेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द हेट स्पीच, या फिर हम फ्री स्पीच के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में आ रहा है अभी, बहुत दिनों से ये चर्चा में भी रहा है। और वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस, वॉट इज़ द सिचुएशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हेट स्पीच होता क्या है। बेसिकली फ्री स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स दे, आर्टिकल 19 में आप सभी को पता होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रिलेटेड विद द फ्री स्पीच बाय द मिनिस्टर्स, सो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है, जजमेंट्स में उनके चीज़ें क्या उन्होंने बताई है, बेसिकली क्या चीज़ें हैं रिलेटेड विद द फ्री स्पीच, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा कोट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो महात्मा गांधी जी ने बताया सब के लिए कि जो रिस्टोरेशन होता है, यानी चीज़ों को एक रिस्टोर करना, एक जगह पे लाना, किन चीज़ों को बेसिकली फ्री स्पीच होगा, या फिर एसोसिएशन और फ्री स्पीच, या फिर प्रेस जिसको हम कहते हैं, इज ऑलमोस्ट द होल स्वराज। क्योंकि स्वराज या फिर किसी भी नेशन को हमें स्वराज में, इंडिया के कंटेक्स में अगर हम बात करें, अगर हमें स्वराज में कंटेक्स में स्वराज में तब्दील करना है हमारे इंडिया को, तो लोगों को दी हुई जो आज़ादी है रिलेटेड विद द एक्सप्रेशन होगा, स्पीच होगा, एसोसिएशन होगा, ये अगर इन जगहों, इन चीज़ों का अगर हम रिस्टोर करते हैं, तो सच में वो देश कहलाएगा, या फिर वो कंट्री कहलाएगी, वो स्टेट कहलाएगा एज अ स्वराज। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिलेटेड विद द फ्री स्पीच, इसको हम जानेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देर इज नो रीजन टू इम्पोज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच टास्क द राइट टू फ्री स्पीच बाय द मिनिस्टर्स। हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पे स्टेट मिनिस्टर्स होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, अलग अलग जगहों पर पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट्री सेशन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस के अलावा भी उनके बहुत सी जगहों पर भाषण होते हैं या फिर वो भाषण देते हैं। तो भाषणों में हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई जगहों पर उनके द्वारा स्पीच में ऐसे शब्द या फिर ऐसी चीजें आ जाती है जिससे एक वॉयलेंस या फिर एक इररेगुलरिटी या फिर एक कुछ ऐसी चीज बन जाती है समाज में, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, ऑब्वियसली इनको हम हमारे प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं और जो वो चीजें बताएंगे, क्योंकि प्रतिनिधियों का काम होता है कि समाज को इकट्ठा करके उनके वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना, ये सभी को पता है हमें। लेकिन जब उनके स्पीच के द्वारा ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिसके जरिए एक डिस्टेबिलिटी क्रिएट होने की कोशिश हो जाती है समाज में, सोसाइटी में, या फिर लोगों के दिमागों में, या फिर लोगों में, तो ये जो शब्द है या फिर ये जो चीज़ें हैं, हालांकि इंडिया में सभी सिटीजन्स, जिसमें कॉमन सिटीजन्स भी आते हैं और उसके अलावा ये लोग भी आते हैं जो हमारे प्रतिनिधित्व है, यानी सार्वजनिक तौर पर जो लोग हैं, सभी के लिए आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान दिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको आज़ादी है बोलने की, एक्सप्रेस करने की। तो ये जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है जिसका फिर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है समाज में, और यही टॉपिक है आज का कि ये जो फ्री स्पीच है ये हेट स्पीच में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या कहता है, और फ्री स्पीच के बारे में भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा रिसेंट डिसीजन में कि वी कैन नॉट इम्पोज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस टू द फ्री स्पीच बाय द मिनिस्टर्स, तो ये सीधा सीधा डिसीजन आया। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट विकरियसली लायबल फॉर डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स बाय देम। हो सकता है कुछ इन इमेजिनेबल थिंग्स के बारे में भी कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा एक आधा शब्द बाहर निकल जाता है, एक आधा सेंटेंस बाहर निकल जाता है ना, जो इन इमेजिनेबल थिंग है, विकारियस यानी इन इमेजिन इमेजिन थिंग जो है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है और ऐसे शब्द बाहर निकल जाते हैं, तो उसके लिए भी लायबल नहीं है वो गवर्नमेंट। यानी क्या, सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि
जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि व्हिप है होता है, व्हिप के जरिए क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली अपने जो विधायक होते हैं सांसद होते हैं उन पर एक वॉच डॉग की तरह काम करते हैं। वो होता है सेशंस के दौरान या फिर उन चीज़ों के दौरान, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के सेशंस के अलावा जो भी ये फ्री स्पीच देते हैं किसी भी जगह पर, तो यहाँ पे कोई भी पाबंदी हम लगा नहीं सकते। उनको उतने ही अधिकार और उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी आम लोगों को है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, उसके बाद क्या कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी एंड एवरी स्टेटमेंट ओरली मेड बाय द मिनिस्टर। जो अभी हमने डिस्कस किया कि ओरली कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है बाय द मिनिस्टर्स, तो उस पर कोई भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद द चीफ मिनिस्टर्स डज नॉट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी मेंबर्स होंगे वो चाहे सेंट्रल लेवल पर एमपीज होंगे, सांसद जिनको हम कहते हैं, या फिर एमएलएज होंगे, ठीक है। तो ये जो विधायक या फिर सांसद होते हैं इन पर कोई भी इस तरह की पाबंदी नहीं लाई जा सकती बाय द चीफ मिनिस्टर्स और बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो होल्ड कर रहे हैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कही गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि बेसिकली क्या है ये टॉपिक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्री स्पीच में और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया देर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमें पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का कंसेप्ट है, अलग अलग तरह की सरकारें बनती है, बहुत कम जगह कोएलेशन गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाती है। लेकिन आज का दौर हमें पता है कि मोस्टली कोएलेशन गवर्नमेंट हो उसके बावजूद भी हमें मोस्टली स्टेट में एक तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम होने के वजह से अपने अपने पार्टी का अपने अपने विधायकों पर और अपने अपने सांसदों पर कुछ हद तक होल्ड होता हो मैं देखने को मिलता है। लेकिन जब ये सांसद फ्री स्पीच देते हैं सेशंस के अलावा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इन पर पाबंदी जो है वो नहीं लाई जा सकती बेसिकली, ठीक है। सो ऑल टाइम्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर बाय और चीफ मिनिस्टर टू टेक द व्हिप, स्टेट हैज एन अफर्मेटिव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वेयर देयर इज अ थ्रेट टू पर्सनल लिबर्टी इवन बाय नॉन स्टेट पार्ट। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जहां पे बात आती है इंडिया के सॉवरनिटी की, सिक्योरिटी की, और स्टेट कुछ ऐसे इश्यूज या फिर फॉरेन रिलेशन रिलेटेड इश्यूज जहां पे स्टेट यानी उस सरकार को या फिर गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी उनकी उनको ये आजादी है कि वो इस तरह का होल्ड या फिर रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं ऑन द नॉन प्राइवेट यानी नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी, ठीक है। द फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू डिग्निटी कुड बी एनफोर्स अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टीज, ठीक है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। डेरोगेटरी स्पीच विच क्लोजली रिजेंबल्ड हेट स्पीच डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द फ्री स्पीच। जो डेरोगेटरी स्पीच होंगे वो इस तरह के स्पीच जो है वो है, इस तरह के स्पीच जो है फ्री स्पीच राइट के जरिए नहीं आते। आगे चलते हैं बेसिकली क्या कहा है। सो पब्लिक फंक्शनरीज जो होंगे एंड अदर पर्सन्स ऑफ इन्फ्लुएंस सेलिब्रिटीज हैविंग रिगार्ड टू देयर रीच रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी एंड द इम्पैक्ट दे बिल्ड ऑन द पब्लिक। हमें पता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर जिन लोगों को हम एक प्रेस्टिजियस तौर पर मानते हैं समाज में, ये अलग अलग तरह के स्पीच देते रहते हैं, अलग अलग तरह के फ्री स्पीच उनके होते रहते हैं, और बेसिकली हम उनके स्पीच को जब सुनते हैं और उनके स्पीच में ऐसी कुछ चीज़ें आती है जो डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो सवाल आ जाता है फिर जो फ्री स्पीच की हमें स्वतंत्रता दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच की तरफ जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है। सो इसलिए सवाल आता है हेट स्पीच का, हेट स्पीच स्ट्रक एट द फाउंडेशनल वैल्यूज एंड वायोलेटेड द फ्रैटर्निटी ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स। अगर इन सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, या फिर ये जो सार्वजनिक तौर पर दिए गए जो फ्री स्पीच है बाय ऑल्सो सेलिब्रिटीज ऑल्सो, इनके द्वारा जो दिए गए स्पीच है इनमें
जो चीज़ें बाहर निकलती आती है जो बढ़ावा देते हेड स्पीच को बेसिकली, तो ये बेसिकली फ्रैटर्निटी जो सिटीजन्स में है, बंधुता जिसको हम कहते हैं, या फिर एक तरह से सेकुलरिज्म जिसको हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता जिसको हमें मेंटेन रखना है, उसको कहीं ना कहीं ठेज पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए हेड स्पीच जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है और चर्चा में रहता ही रहता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होता है जहाँ पे इस तरह के हेड स्पीच बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं और उस पर बहुत जगहों पर डिस्टेबिलिटी मेंटेन होती है, बहुत जगह से उस पर उद्रेक भी होता है, बहुत से स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता है कि हेड स्पीच रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बेसिकली सवाल कब आता है, क्यों ये हेड स्पीच का सवाल आता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मलूका आईएएस के द्वारा हमें सभी पता है कि 2024 के फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाली है विद प्रॉपर डिस्काउंट्स एंड ईएमआई फैसिलिटीज आल्सो, सो यू कैन ज्वाइन बाय कॉलिंग ऑन द फोन नंबर्स। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, ये चीजें उसमें दी गई है। ठीक है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीजन का, वो चाहे कॉमन सिटीजन हो या फिर वो विधायक हो, सांसद हो, ये सभी लोग जो इंडिया के सिटीजन है उनको आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सो उसके बाद आर्टिकल 19(2) क्या कहता है ये हमें ध्यान में रखना है कि ये 19(1) में हमें जो राइट दिया गया है, जो अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच का या फिर फ्री स्पीच का जिसको हम कहेंगे वर्ड के जरिए, तो इन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी जरूरत है। जैसे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है ताकि उनका आप पालन भी करो। ठीक है, तो इसीलिए जो आर्टिकल 19(1) में कुछ फ्री स्पीच के जरिए या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें प्रावधान मिला है, स्वतंत्रता मिली है, उसको ही रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी प्रावधान दिए गए हैं। सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन पुट फोर्थ बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द वर्ड रीजनेबल शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द यूज एंड मिसयूज। सो रीजनेबल यानी क्या कि हमें बैलेंस मेंटेन रखना है, ठीक है, यूज और मिसयूज में, किसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एक्सप्रेशन होगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है, तो उस रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कि हेड स्पीच बेसिकली कहता क्या है। हेड स्पीच बेसिकली है एक इंसाइटमेंट, यानी एक उकसावा जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, ठीक है, समाज में जो मार्जिनाइज होगा, या फिर एखादा पर्टिकुलर ऐसा रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, तो उनके रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बोल देना। ठीक है, ऐसी चीजें यानी क्या कि जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर दें, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को के रिलेटेड कुछ बोल देना, तो ये चीजें जो आती है ये बेसिकली आती है हेट स्पीच में। ठीक है, लेकिन देखो अभी रिसेंटली जो नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की एक जज है, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो हमें फ्री स्पीच का प्रावधान मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हर सिटीजन को जरूरी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हेड स्पीच में नहीं आती। ठीक है, हेड स्पीच में नहीं आती यानी क्या कि इनका यूज हो रहा है अच्छे से, तो ये ऑब्वियसली लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए अच्छी है, और इसका अगर मिसयूज हो रहा है तो ये बेसिकली हेड स्पीच का एक भाग बनती है। ठीक है, सो द लॉ कमीशन ऑल्सो, ये एक बढ़िया प्रावधान है कि जो 267th रिपोर्ट था लॉ कमीशन का, जो बेसिकली हेड स्पीच के बारे में ही कहता है, such underdresses have the potential to provoke individuals and society to commit acts of terrorism, genocide and ethnic cleansing. तो 267th रिपोर्ट में ये प्रावधान भी या फिर ये भी चीजें दी गई थी लॉ कमीशन के रिलेटेड विद द हेड स्पीच। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कि ड्यू टू हेड स्पीच हमें पता है देर इज अ डेंजर टू इंटरनल सिक्योरिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड इट इज क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी एट अवर नेशनल लेवल ऑल्सो एंड क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी इन बिटवीन द रिलेशन वेन वी डिस्कस अबाउट द फॉरन रिलेशन ऑल्सो। सो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के बीच एक ये
चीज आ जाते हैं जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं तो, ठीक है। सो और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें सबके पता है, मुजफ्फर राइट्स का उदाहरण हम सबको पता है, जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के हेट स्पीच फैलाए गए और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो दंगलों में तब्दील हो गया। तो इसी के वजह से एक इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो जाती है हेट स्पीच के द्वारा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर को इसको डिसीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोविजंस देखते हैं कि अगर ये इस तरह के हेट स्पीच अगर फैलाए जा रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शंस क्या लाए जा सकते हैं, क्या पनिशमेंट है बेसिकली फॉर द हेट स्पीच। तो हमें सभी को पता है और ये डिस्कस भी हम कर लेते हैं कि जो सेक्शन 153 है, ये है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, वो कहता है बेसिकली ये पेनलाइज करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, रेसिडेंस होगा, लैंग्वेज होगा, इन सभी ग्राउंड्स पर अगर कोई भी इंसान एक एनिमिटी को प्रमोट करने की अगर बात करता है या फिर एनिमिटी को प्रमोट करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी। और मेन पर्पस क्या है उसका, हारमोनी मेंटेन रखना, ठीक है, हारमोनी को मेंटेन रखना है, ये मेन पर्पस है उसका। दूसरा सेक्शन है आर्टिकल या फिर सेक्शन 153B ऑफ द आईपीसी जो पेनलाइज करता है इंप्यूटेशन, एसर्शन टू जुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन जो है बेसिकली जो हमें मेंटेन रखना है उसको अगर ठेज पहुंचती है तो बेसिकली ये सेक्शन 153 जो बी है आईपीसी का उसके अंतर्गत पेनलाइज किया जा सकता है। थर्ड है सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी जो बेसिकली पेनलाइज करता है deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class। और यही इसी का उदाहरण मैंने बताया आपको कि हरिद्वार में जो इस तरह की religious congregation होता है जिसमें बहुत सारे इस तरह के hate speeches spread किए जाते हैं जिसके जरिए एक instability create होती है। हालांकि उन लोगों पर मुकदमे नहीं चले लेकिन ये एक instability create करने का जरिया बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद 298 आईपीसी है जो ऑब्वियसली अटरिंग वर्ड्स होगा उसके रिलेटेड पेनलाइज की प्रावधान के बारे में बात करता है। सेक्शन 505 है आईपीसी का जो बेसिकली पब्लिकेशन के रिलेटेड है, यानी कि आप जो हमें एक्सप्रेशन, एसोसिएशन या फिर फ्री स्पीच में एक आप पब्लिकेशन का भी प्रावधान है कि आपको जो न्यूज़पेपर आते हैं, मानो पेपर मीडिया होगा जिसके जरिए बहुत सारी चीजें, मैगजीन्स होंगे जिसके द्वारा आपको फ्री एक स्वतंत्रता दे दी गई है कि आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर मीडिया आल्सो, दैट वी आर पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट द पेपर मीडिया। सो ये अगर फैलाया जा रहा है तो इसके जरिए भी हारमोनी मेंटेन रखने की चीज़ें हमें ज़रूरी है, ठीक है। और ये अगर हेट स्पीच को बढ़ावा देने की चीज़ें अगर होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली पब्लिकेशंस पर आर्टिकल जो सेक्शन है हमारा 505 आईपीसी का उसके अंतर्गत पेनलाइज या फिर पेनाल्टी जो है या फिर जो पनिशमेंट है वो उसके प्रावधान दिए गए हैं। पार्ट 7 है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो क्लासिफाई करता है हेट स्पीचेस एज एन ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन टू कैटेगरीज, ठीक है। तो ये भी एक प्रावधान दिया गया है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस हमें पता है कि पार्टियों में है ना जो स्पीचेस दिए जाते हैं या फिर सार्वजनिक तौर पर स्पीचेस दिए जाते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हेट स्पीच को बढ़ावा देने के रिलेटेड होती है। तो इस पर भी पाबंदी लाने के लिए, इस पर भी रोक लाने के लिए, कर्ब करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कमेटी है जिन्होंने अलग अलग तरह के रिपोर्ट दिए, रिकमेंडेशंस दिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज विच हैव गिवन सेवरल रिकमेंडेशंस रिलेटेड विद द हेट स्पीच। तो सबसे पहली कमिटी थी रिलेटेड विद द हेट स्पीच, दैट इज विश्वनाथन कमेटी। विश्वनाथन कमेटी ने बेसिकली क्या कहा था देखते हैं हम, रिकमेंडेस द स्ट्रिक्टर लॉज टू कर्ब ऑनलाइन हेट स्पीचेस। हमें पता है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप होगा, टेलीग्राम होगा या फिर अलग अलग जो जरिए है सोशल मीडिया के, उनके द्वारा बहुत सी चीज़ें हेट रिलेटेड चीज़ें जो है, इंस्टेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें जो है वो फैलाई जाती है और आज भी फैलाई जाती है हमें पता है, ठीक है।
तो इसके रिलेटेड कुछ स्ट्रिक्ट लॉ लाने की जरूरत है, इस तरह का प्रावधान जो है, इस तरह का रिकमेंडेशन जो दिया जाता है बाय द विश्वनाथन कमिटी, ठीक है। इट प्रपोज इंसर्टिंग सेक्शन 153 सी बी एंड सेक्शन 505 ए इन द आईपीसी, और इन्हीं के द्वारा ही वो प्रावधान जो है एडिट किए गए थे इन द आईपीसी, ठीक है। उसके बाद की कमेटी कौन सी है? बेस बुराव कमेटी, ठीक है। ये बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर थे, उसके बाद ये मेंबर बन जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, ठीक है। और एक केस आ जाती है जिसमें दिल्ली में एक लड़के की मौत हो जाती है, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें जो है वो स्प्रेडअप होती है, और इसके रिलेटेड ही बाद में कमिटी गठित की जाती है। बेसिकली फेब्रुआरी 2014 की एक कमिटी है जिसमें इनके द्वारा कुछ ऐसे रिकमेंड दिए जाते हैं जिनमें बेसिकली वेक ऑफ ए सीरीज ऑफ रेशियल अटैक्स के रिलेटेड, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इट हैड प्रपोज टू इंसर्ट टू स्ट्रिक्टर्ड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस इन द आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी में कुछ प्रावधान एडिट करने की बेसिकली इन्हें रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद की कमेटी कौन सी है? बेसिकली ये दो कमेटीज के बाद आता है कि इसके रिलेटेड कुछ, जैसे अभी ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके पहले कुछ ऐसी केसेस हुई है क्या जहां पे सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा रिलेटेड विद द फ्री स्पीच होगा, रिलेटेड विद द हेट स्पीच होगा? तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस था 2015 का श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पे एक इशू रेज होता है रिलेटेड विद द सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है। तो रिलेटिंग विद द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड बाय द आर्टिकल 19(1). सो बेसिकली ऑनलाइन का मुद्दा आ गया, ठीक है। सो वेयर द कोड डिफरेंशिएटेड बिटवीन द डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट, ये तीन जो वर्ड इस्तेमाल किए गए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन तो हमें पता है कि हम कुछ भी चीजें डिस्कस करते हैं तो ये एक फ्री स्पीच का मामला बन जाता है। दूसरा चीज है एडवोकेसी, जिसको हम वकालत कहते हैं या फिर चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज है इंसाइटमेंट, ये एक वर्ड जो ऐड किया गया है बिटवीन दैट पर्टिकुलर जजमेंट। सो इंसाइटमेंट यानी क्या कि ऐसा एक्ट जो बेसिकली उकसाने की बात करेगा, ठीक है। तो इंसाइटमेंट बेसिकली उसमें आ जाता है, और इंसाइटमेंट यानी उकसाना, ये जो बात आएंगे ऑब्वियसली विल टेंड टूवर्ड्स द हेट स्पीच, ठीक है। तो वो फ्री स्पीच के पास से वो जाएंगे हेट स्पीच की तरफ, ठीक है। तो यही, और बाद में उन्होंने कहा कि हेल्ड एट द फर्स्ट टू वेयर द इसेंस ऑफ द आर्टिकल 19(1), ठीक है। और 19(1) में, आर्टिकल 19(1) में ये जो वर्ड है ये इसेंस है, ये जरूरी है, लेकिन ये तीसरी चीज जो है, ये तीसरी चीज यानी ये यूज से मिस यूज की तरफ जब अगर गई तो ये फ्री स्पीच से बन जाएंगे हेट स्पीच की तरफ, ठीक है। तो यही हमें ध्यान में रखना है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप कोट कर सकते हो अपने मेन आंसर्स में भी, ठीक है। उसके बाद अरूप भुयान वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस आ जाता है 2011 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है या फिर कोर्ट कहता है एक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस एन इंडिविजुअल रिसोर्टेड टू वायलेंस और इंसाइटिंग एनी अदर पर्सन टू वायलेंस। वही चीज है जो बताई जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम 1989 का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिले हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको सप्रेस तब तक नहीं किया जाता जब तक, या फिर नहीं किया जा सकता, द सिचुएशन सो क्रिएटेड आर डेंजरस टू द कम्युनिटी। जब तक वो सिचुएशन समाज में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक डेंजर नहीं फैलाती, तब तक हम किसी के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर इन दिस डेंजर शुड नॉट बी रिमोट, कॉन्जेक्चुअल और फारफेच, ठीक है। तो इस तरह का देयर शुड बी अ प्रॉक्सिमेट एंड डायरेक्ट नेक्सस विद द एक्सप्रेशन सो यूज, बेसिकली। तो इस तरह के डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के अगर हेड स्पीच या फिर स्पीच, फ्री स्पीच की अगर बात आती है या फिर इस पर डिस्कशन जब हम करते हैं तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर्स है। सो सोशल मीडिया कंपनीज अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस ला रही है, जैसे फेसबुक होगा, गूगल होगा, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में इस तरह के रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा वो सरकार से भी बात करते जा रहे हैं कि हम इस तरह के हेड स्पीच को बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाएंगे हमारे यूज में भी,
और जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं उन पर भी कुछ पाबंदी लाई जाएंगे कि ताकि हेट स्पीच को बढ़ावा ना मिले बेसिकली, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टाई अप विद द टेक कंपनीज टू आइडेंटिफाई द क्रिएटर ऑफ सच न्यूज, और इसी पर स्ट्रिक्ट लॉ बहुत ज्यादा जरूरी भी बनता है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग आउट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, और ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं, फिर कंक्लूसिव की बात करते हैं, या फिर इन चीजों को समझने के बाद हमें पता चलता है कि यार इस पर कुछ ना कुछ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनना चाहिए। स्टेट लेवल पर भी होगा और सेंट्रल लेवल पर भी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मेजर्स की जब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के, तो इम्पोजिंग हेफ्टी फाइन्स इफ दे परसिस्टेंटली फेल टू रिमूव इलीगल कंटेंट फ्रॉम द साइट्स, तो कुछ फाइन्स की भी बात की जाती है। उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये एक बढ़िया तरीका होगा कि लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन की बात अगर हम करें कि ये जो फ्री स्पीच का कन्वर्जन हो रहा है हेट स्पीच को, तो इसको बीच में ही कैसे स्टॉप किया जाए ताकि हेट स्पीच को बढ़ावा ना मिले, तो बेसिकली इसके लिए हमें पता है कि एजुकेशन यानी लोगों को इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्रावधान है, प्रोविजन्स है, हमें कि कब तक रेस्ट्रिक्शन दिए गए, कब तक हमें स्वतंत्रता है और कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो लागू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है अवेयरनेस, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप या फिर फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको हम बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं किसी और दूसरे को या फिर किसी ग्रुप में, तो हमारी एक अवेयरनेस के तौर पर या फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इस तरह के मैसेजेस जो हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इनको हम एक बार पढ़े और हमें लगता है कि ये हेट स्पीच को बढ़ावा दे सकते हैं तो हम उनको ना फैलाए या फिर स्प्रेड ना करें, शेयर ना करें। और इसीलिए स्टेट पुलिस होंगी, स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, इस पर बहुत सारे फ्रेमवर्क लाते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी बहुत चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ राइट्स के स्वतंत्रता देती है, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो जिससे हमें स्वतंत्रता एक महसूस होती है, आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ऐसे भी प्रावधान मिलते हैं जहाँ पे हमारी ड्यूटीज की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है, हमें अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्यूटीज भी इंस्ट्राइन की गई है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 51AH कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज का कि इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर को हमें मेंटेन रखना है, ह्यूमैनिज्म या फिर ह्यूमैनिटी की बात जब हम करते हैं, मानवता हमें मेंटेन रखनी है हमारे समाज में, और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। कोई चीज जैसे मैंने कहा कि स्प्रेड करने से पहले वो सही है गलत है हमें छानना या फिर छानबीन करना जरूरी है, तभी के तभी हमें फॉरवर्ड नहीं करना है। और दूसरी चीज जो है वो रिफॉर्म सुधार, ये जैसे सरकार की जिम्मेदारी वैसे हर सिटीजन की भी जिम्मेदारी है, तो आर्टिकल 51AH के जरिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक को हम जब कंक्लूसिव के तौर पर लेके जाते हैं सामने, तो बात यही आती है कि यार पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होलसम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फ्री स्पीच या फिर हेट स्पीच को ना बढ़ावा दें, और जो बेसिकली प्रावधान बनाए गए हैं उसके जरिए हम जाए। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जिस तरह के राइट्स या फिर जिस तरह के स्वतंत्रता सारे लोगों को मिली है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑल सिटीजन्स, तो वही स्वतंत्रता जो है वो इन सांसदों को, विधायकों भी को भी है, ठीक है, और उन पर कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाए जा सकते। सो हेट स्पीच इज ऑफन रूटेड एंड जनरेट इन इंटॉलरेंस, हमें पता है हेट स्पीच बेसिकली इसको असहिष्णुता जिसको हम कहते हैं या फिर इनटॉलरेंस को ही बढ़ावा देगा, ठीक है, और हेटरेड फैलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इट इज अ मेनेस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल स्टेबिलिटी एंड पीस, ऑब्वियसली इनको भी वो ठेच पहुंचाएगा, ठीक है। और एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल द गवर्नमेंट मस्ट कन्फ्रंट हेट स्पीच एट एवरी टर्न, ठीक है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और सिटीजन की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच हैज बीन अप्रोच आउटसाइड ऑफ द करंट लीगल सिस्टम, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो ब्रिंग कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट्स, तो जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर काम कर रहे हैं, नए नए रूल्स या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाते जा रहे हैं,
तो ये सरकार का भी काम है और हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कन्फ्लुएंस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें हेट स्पीच को रोकना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर बन जाता है आज का हमारा डिस्कशन जो रिलेटेड था विद द फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच। सो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको भी हमने डिस्कस किया, एक ओवरलुक देखा सारी चीजों का, और बेसिकली इस पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली हमें कैसे टैकल करना है वो हम देखने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, सो आई होप कि यू आर क्लियर्ड विद द कंसेप्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड अप टू दैट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।